कोई और लो ना। नहीं नहीं माँ बस, मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में वैसे ही देर हो गई है। बेटी तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? आखिर क्या कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे डैडी ने हमारे लिए? रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ तो है। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, उन्हें मत टुकड़ाओ। माँ रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, कब उड़ जाए क्या भरोसा। माँ मुझे इन सब रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं डैडी की तरह अपना नाम और मुकाम हासिल न कर लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। बाय माँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े फख्र और खुशी की बात है कि 3 साल कोमा में रहने के बाद किसी को होश आया। हमें उस पेशेंट के साथ बड़ी सावधानी बरतनी होगी। उसके दिमाग के किसी भी नस पर अगर जरा भी दबाव या जोर पड़ा तो वो फिर से कोमा में जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर पल एक डॉक्टर उसके साथ मौजूद रहे। सर, ये जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभा सकती हूं। गुड, इससे पहले तुम मुझसे आकर उस केस की फाइल ले लो। जी सर। ओके? हाँ, और साथ में आरोपी भी। आज शाम तक चाहिए मुझे। इज इट द कमिश्नर्स ऑफिस? यस। देखिए मैं संतोष हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मुझे कमिश्नर प्रताप सक्सेना से बात करनी है। सर, संतोष हॉस्पिटल से कमिश्नर प्रताप सक्सेना के लिए फोन, लेकिन प्रताप सक्सेना साहब तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वो फोन दो और एक काम करो, ये फाइल रख दो। ओके सर। एसीपी प्रताप सक्सेना स्पीकिंग। कमिश्नर साहब देखिए, इस हॉस्पिटल में कोमा का पेशेंट है मिस्टर राज सिन्हा, उसे होश आ गया है। What? Yes, sir. ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? जी नहीं। गुड, और कहना भी नहीं, राज राज रहना चाहिए। हाँ, मैं खुद देखने आता हूं पेशेंट को। कौन? मैं एसीपी शिर्के बोल रहा हूँ। हाँ बोल शिर्के। सर, बहुत बुरी खबर है हम सबके लिए। क्या? वो राज सिन्हा जिंदा है। मगर तूने तो बोला था वो मर गया। सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि राज वहां पे कोमा में पड़ा था, लेकिन अब उसे होश आया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सर, आप कहे तो। नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया था उस हॉस्पिटल का? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर राज, काम डाउन, टेक इट इजी मिस्टर राज। देखिए, आप आराम कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आप अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। कोमा? कहाँ से? यही कोई 3 साल से। काम डाउन। 3 साल? बाबा 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 खोल बाबा, मैं बोला
पहचाना बाबा मेरे को? पहचाना? मैं भोला, पहचाना मेरे को? भोला, भोला भैया, 3 साल से बहुत भाई बनकर तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ बाबा। कमिश्नर साहब ने मेरे को तेरी देखभाल के लिए रखा है यहाँ। कमिश्नर प्रताप सक्सेना, बाबा याद आया तेरे को? ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाबा बाबा, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करके आता हूँ कि तेरे को होश आ गया। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, आप प्लीज मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। किसे फोन कर दिया आपने? कमिश्नर साहब को। कमिश्नर प्रताप सक्सेना रिटायर हो चुके हैं, वो आजकल बॉम्बे में है। आपने आपने कहीं एसीपी सर को फोन नहीं कर दिया? रबिश, हे भगवान। व्हाट्स हैपनिंग? ले जा रहा हूँ, यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, आपको मेरी मदद करना चाहिए। Stop it! Impossible! चीफ डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है डॉक्टर, वो लोग बाबा को मार डालेंगे। पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि जब उन्हें होश आ जाए तब कमिश्नर सक्सेना को फोन करना है, और मैंने वही किया है। आप समझते क्यों नहीं है, ये वापस कोमा में जा सकते हैं। लेकिन आपने कमिश्नर सक्सेना को फोन नहीं किया, आपने एसीपी सरके को फोन किया है। मैं बाबा को यहाँ नहीं छोड़ सकता। Stop it! I said stop it! आप हेलो सिक्योरिटी। ए कौन हो तुम?
ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की, इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को, इसकी ये हालत कैसे होगी? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूं, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए बाबा को यहां तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही, आप जा सकते हैं यहां से। शट अप। देखो तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहां जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों से ऐसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, 3-3 खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले ही डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था, लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है।